डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में कंपेयर करने जा रहा हूँ सारे रिलेशंस को। ऑल्दो मैंने इन सारे रिलेशंस को विद एग्जांपल्स बहुत ही बेसिक से एक एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके अलावा आपको उसका सजेस्टेड वीडियो में भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इन सारों को एक वीडियो में ही कंपेयर करके बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो एक ही वीडियो में आपको इन सारों की इंफॉर्मेशन, इन सारों से रिलेटेड फॉर्मूलाज एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। तो इसीलिए इस वीडियो को स्पेशली मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी ए एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो 6 टाइप के हमारे रिलेशंस होते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं कि मैं इनको 3 कैटेगराइज में, यहां पे मैंने 3 वैल्यूज जो है वो ली हैं, इनके बेसिस पे इनको कंपेयर कर रहा हूं। कार्डिनैलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट रिलेशन, कार्डिनैलिटी ऑफ लार्जेस्ट रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशंस, यही मेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें कार्डिनैलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट रिलेशन कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हो, तो आपके पास कोई भी सेट गिवन है, जैसे लेट्स से सेट है ए, उस सेट में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये बेसिक आपको ऑलरेडी पता है, ये बहुत बार बता चुका हूं। सेट है ए, उसकी कार्डिनैलिटी है एन, मतलब कार्डिनैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन। तो ए क्रॉस ए किया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर। तो ए क्रॉस ए की कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, एन स्क्वायर। कैसे, आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। लेट्स से अगर ए को मैं ले लूं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, तो अगर आप ए को ए से ही मल्टीप्लाई करते हो तो 3 × 3 9 एलिमेंट्स आएंगे, और ये 9 एलिमेंट्स मैंने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप कैसी मर्जी लिख सकते हो, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। तो ये हमारे एलिमेंट्स टोटल इस तरीके से आएंगे। अब मैं यहां पे क्या कार्डिनैलिटी की बात कर रहा हूं, कार्डिनैलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट रिलेशन। अब आप यहां पे लेट्स से रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हो, तो कार्डिनैलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आप इररिफ्लेक्सिव की बात करोगे तो कार्डिनैलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी सेट आपको दिया है, उस सेट के ऊपर अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कितना हो सकता है, मतलब एक सेट है वो स्मॉलेस्ट, आपको उसके अंदर कितने एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव बने, लार्जेस्ट आपको कितने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट डालने पड़ेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रहे। तो ये बन जाता है आपका स्मॉलेस्ट और ये बन जाता है लार्जेस्ट कार्डिनैलिटी वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से भाई हम ए वाला 1 2 3 एग्जांपल ले लेते हैं, ए क्रॉस ए मेरे पास, यहां पे भी इस तरीके से भी ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो जैसे रिफ्लेक्सिव की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेट, मतलब स्मॉलेस्ट कम से कम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं रिफ्लेक्सिव के अंदर, कितने एलिमेंट्स कम से कम आएंगे रिफ्लेक्सिव के अंदर, तो आप कैसे देखोगे। ये देखो मैंने क्या लिखा, n, n क्यों लिखा, लेट्स से अगर मैं a की वैल्यू को 1 2 3 3 लेता हूं तो a क्रॉस a में सारे एलिमेंट्स आ गए। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन, मतलब अगर 1 2 3 है तो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, ये आने कंपलसरी है, मैंडेटरी है। मतलब 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना ही चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो कम से कम कितने आने चाहिए, आपको ध्यान से देखो, कम से कम कितने आने चाहिए, कम से कम ये 3 तो आने ही चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस तरीके से इनको डिनोट करता हूं तो आप कह सकते हो कि टोटल जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कम से कम आने ही चाहिए। Getting the point or not? और diagonal elements कितने होते हैं, अगर A cross A आप लिख रहे हो तो diagonal elements आपके कितने होते हैं, diagonal elements होते हैं n। Getting the point? और non diagonal elements कितने होंगे, अगर total मेरे पास A cross A में n square elements हैं, total A cross A में n square elements हैं, अगर n मेरे diagonal है तो आपके non diagonal कितने होंगे, n square minus n आपके नॉन डायगोनल होंगे। तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव के केस में सारे डायगोनल आने चाहिए, तो n बन गया, सिंपल सा पॉइंट है। देन इररिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें, इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है, कोई भी सेल्फ पेयर नहीं आना चाहिए, मतलब खुद का खुद से पेयर वाला कोई भी नहीं आना चाहिए। तो लेट से आप कोई भी मतलब ये वाला भी मतलब, और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आप मिनिमम से मिनिमम कौन सा ले सकते हो, मिनिमम से मिनिमम आप ले सकते हो
एम्प्टी रिलेशन। मिनिमम से मिनिमम कौन सा ले सकते हो? एम्प्टी, कोई कंडीशन ही नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना कि 1 1 2 2 3 3 वाला नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्मॉलेस्ट क्या बन गया? 5। सिमेट्रिक की बात करें, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1, मतलब अगर xy है तो yx होना चाहिए। अगर आप xy ही ना लो तो yx चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो कम से कम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं सिमेट्रिक के केस में? अगर लेट से एक सेट दे रखा है A, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कम से कम कितने एलिमेंट आने चाहिए सिमेट्रिक बनाने के लिए? खाली कोई भी आप मत लो। अगर आप 1 2 लेते हो तो 2 1 आना चाहिए, लेकिन अगर आप 1 2 ही नहीं ले रहे, अगर आप 1 1 लेते हो तो 1 1 ठीक है, 2 2 लेते हो तो ठीक है आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 1 2 लेते हो तो 2 1 आना चाहिए, 1 3 लेते हो तो 3 1 आना चाहिए। भैया अगर आप 1 3 ना ही लो, आप पहले वाला ये ना ही लो, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यानी मिनिमम क्या बन गया? 5। ऐसे ही एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है? अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। Getting the point, मतलब अगर xy है तो yx नहीं होना चाहिए। तो भैया आप xy को भी मत लो, तो yx है या नहीं है चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक क्या कहता है? एसिमेट्रिक कहता है कि जो आपका एंटीसिमेट्रिक था ना, वो बस ये कहता है कि यार आपका जो सेल्फ पेयर्स है ये 1 1 2 2 ये अलाउड है, ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिक कहता है ये भी अलाउड नहीं है। अगर आपका 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए, इवन आपके ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये भी नहीं होने चाहिए। तो फिर ठीक है, आप कम से कम कौन से लो? कम से कम आप 5 ले लो। तो अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, अगर आप 1 2 भी मत लो, कुछ लो ही मत, तो 5 आपका मिनिमम बन जाएगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, तो ट्रांजिटिव भी क्या कहता है? अगर एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड होना चाहिए। तो आप एक्स वाई ही ना लो, वाई जेड लो ही मत, तो एक्स जेड चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम कितने पॉसिबल है? 5। तो ये पहली आपकी रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनके रिलेटेड सारी एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी, वो एक बार जरूर चेक कर लेना ताकि आपको विद एग्जाम्पल पहले पता लग जाए। देन देखो लार्जेस्ट, अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं रिफ्लेक्सिव में, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इर में, सिमेट्रिक में, इसमें सब में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर मेरा ए है, 1 2 3 एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, तो एक रो से सेम आपका वही फंडा आएगा। अब देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के केस में, रिफ्लेक्सिव के केस में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? सारे ले लो, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको किसने बोला कि लो या ना लो? आप सारे ले लो मैक्सिमम बनाने के लिए। अगर आप ये पूरे 9 के 9 एलिमेंट्स ले लेते हो तो स्टिल ये रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। तो यानी क्या बन गया? n स्क्वायर। क्यों? ये तो मैंने 3 एलिमेंट्स लिए ना, अगर एक ही कार्डिनलिटी n हुई तो n इंटू n क्या हो गया? n स्क्वायर। तो सारे के सारे एलिमेंट्स आप ले सकते हो n स्क्वायर। इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है? भैया ये जो है ये नहीं आने चाहिए, जो ये डायगोनल है ना ये नहीं आने चाहिए, नॉन डायगोनल में कोई भी आ सकता है। तो आप लार्जेस्ट बनाने के लिए सारे नॉन डायगोनल लिख लो। तो नॉन डायगोनल कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n। देन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहता है कि ये भी आ सकते हैं, और अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। तो इट मींस ये भी आ सकते हैं, और अगर 1 2 है तो 2 1, 1 3 है तो 3 1। तो मैक्सिमम बनाने के लिए आप सारे ही लिख लो, n स्क्वायर बन गया। देन एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक थोड़ा ध्यान से करना। एंटीसिमेट्रिक कहता है कि ये वाले आ सकते हैं, जो आपके जो सेल्फ पेयर्स है ना, जो डायगोनल है वो आपके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो आपके नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल में ध्यान से देखना, अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए। मतलब आप इस पूरे पेयर की बात कर रहे हो, तो इस पेयर में अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं, अगर 1 3 है तो 3 1 नहीं, अगर 2 3 है तो 3 2 नहीं। मतलब नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनका हाफ आ सकता है, सारे के सारे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर सारे आगे वो तो सिमेट्रिक बन जाएगा। तो नॉन डायगोनल का आप हाफ कर लो। तो लो जी, n कौन से थे? ये जो सेल्फ पेयर आ सकते हैं, प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2 बन गया, विच कैन बी रिटन एज n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2। ये 2n माइनस n, n बन गया, और n स्क्वायर का n स्क्वायर, इसको आप n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हो। तो ये देख लो, मैंने इसको सॉल्व करके डायरेक्ट ही लिख दिया। आप चाहे ऐसे याद रख लो n प्लस n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2, चाहे ऐसे याद रख लो
फंडा जो है वो सेम ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आता कैसे है इसका आंसर। देन देखो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कहता है एंटी में हम क्या कह रहे हैं कि ये भी आ सकते हैं प्लस इसका हाफ, अगर ये है तो ये ना हो, ये है तो ये ना हो, लेकिन एसिमेट्रिक कहता है ये भी नहीं आ सकते, जो आपके सेल्फ पेयर्स हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स वो भी नहीं आ सकते, तो बचे कौन से, ये वाले आपके बचे, तो ये देख लो जी एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाय टू, ठीक है ना। ये प्लस एन हमने क्यों किया था एंटी में, क्योंकि एंटी कहता है सेल्फ पेयर आ सकते हैं लेकिन ये कहता है वो भी नहीं आ सकते डायगोनल। देन आ गया जी ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, लार्जेस्ट कितना हो सकता है ट्रांजिटिव के केस में, सारे ले लो तब भी ये क्या रहेगा ट्रांजिटिव ही रहेगा, तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या बन गया एन स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी रिलेशंस, तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, इररिफ्लेक्सिव ये मैं आपको बता दूं मैंने अलग से इन वीडियोस को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर, उसका लिंक भी आपको इन वीडियोस का मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूं ताकि पूरी रो ही आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल, तो देखो इस तरीके से मैंने लिख दिया, लेट्स से सेट है ए 1 2 3 एलिमेंट्स, ए इंटू ए में ये सारे 9 एलिमेंट्स आ गए। अब रिफ्लेक्सिव के केस में हम कैसे चेक करते हैं कि जो ये मेरा 1 1 2 2 3 3 है ये तो मैंडेटरी है, ये तो आना ही चाहिए अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो इनके लिए कितनी चॉइसेस हैं, सिर्फ एक एक चॉइस है, मतलब इसके लिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है कि इसको ना लो, नहीं इसको लेना ही पड़ेगा, तो एक एक चॉइस है। यहां पर अगर मैं बात करूं 1 2 2 1 1 3 3 1 इन सब के लिए दो दो चॉइसेस हैं, आप इसको लो चाहे ना लो, आप इसको लो चाहे ना लो, आप इसको लो चाहे ना लो, आप इसको लो, मतलब आपके पास इनके लिए दो दो चॉइसेस हैं। तो जो आपके डायगोनल पेयर्स हैं वो तो मैंडेटरी हैं, लेकिन नॉन डायगोनल पेयर्स के लिए दो दो चॉइसेस हैं, तो यानी हमारे पास नॉन डायगोनल पेयर्स कितने हैं n square minus n, ये non diagonal pairs है n square minus n, जो ये 6 आपको दिख रहे हैं, तो 2 raised to power 6 बन जाएगा, which can be written as 2 raised to power n square minus n, क्योंकि जो non diagonal है उनके लिए हमारे पास दो दो choices हैं, तो दो choices मतलब 2 raised to power किन के लिए, non diagonal के लिए, तो 2 raised to power n square minus n। इररिफ्लेक्सिव की बात करें तो सेम फंडा है, इररिफ्लेक्सिव के केस में कहता है कि ये नहीं आ सकते, मतलब 1 1 0 2 2 3 3 नहीं आ सकते, तो यानी इनके लिए भी आपके पास क्या है, एक तरह से एक एक चॉइस ही है ना कि इनको मत लो, इनको मत लो, लेकिन जो ये वाले पेयर है इनके लिए दो दो चॉइसेस है, आप इसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, नॉट पेयर, हर एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं 1 2 2 1 1 3 3 1 ये सारे नॉन डायगोनल को आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, तो सेम 2 raised to power n square minus n। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक बड़ा ध्यान से समझना, सिमेट्रिक के केस में सबसे पहले आप इस तरीके से पेयर बना लो, ये देखो मैंने यहां पे पेयर्स ऑलरेडी बना रखे हैं 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, वही एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, एक्स जेड है तो जेड एक्स होना चाहिए उल्टा। तो देखो सिमेट्रिक के केस में सबसे पहले जो ये आपके 1 1 2 2 3 3 है जो डायगोनल है उनके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, ध्यान से सोचना कितनी चॉइसेस हैं, दो। आप सिमेट्रिक के केस में इसको लो चाहे ना लो, लो चाहे ना लो, लो चाहे ना लो, मतलब दो दो चॉइसेस हैं, तो यानी कितने एलिमेंट्स हैं डायगोनल वाले n, तो यानी 2 raised to power n आपके यहां पे बन गए। अब हम बात करते हैं नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल में ध्यान से देखो, अगर 1 2 है तो 2 1 होना ही चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, अकेला 1 2 नहीं आ सकता, अकेला 2 1 नहीं आ सकता, तो यानी इसका पेयर हमने बना लिया, गेटिंग द पॉइंट, मतलब टोटल अगर 6 एलिमेंट थे तो पेयर बना के मेरे पास कितने बचे, 3 पेयर्स यहां पे बचे, तो अगर टोटल n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट से तो पेयर बना के n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2 एलिमेंट्स बचे, तो इन एलिमेंट्स के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अगेन दो चॉइसेस हैं, कैसे, या तो इस पूरे पेयर को लो चाहे ना लो, या तो पूरे पेयर को लो चाहे ना लो, या तो पूरे पेयर को लो चाहे ना लो, तो 2 raised to power n square minus n divided by 2 ये इसके लिए और 2 raised to power n आपके इसके लिए, तो इन दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई करके मैं इस तरीके से लिखता हूं 2 raised to power n dot 2 raised to power n square minus n divided by 2, ये आपका डायगोनल के लिए, ये नॉन डायगोनल के लिए। देन अगर हम बात करें एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, तो एंटीसिमेट्रिक के केस में क्या हो गया, अगेन एंटीसिमेट्रिक कहता है कि ये जो डायगोनल पेयर्स हैं ये आ भी सकते हैं नहीं भी, तो यानी 2 raised to power n तो सेम एज इट इज रहे, लेकिन यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे बड़ा ध्यान से देखना, पेयर के केस में अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, अगर 2 1 है तो 1 2 नहीं होना चाहिए, मतलब इस पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, या तो आप अकेले 1 2 को ले लो, या आप अकेले 2 1 को ले लो, या दोनों को ही मत लो,
ध्यान से देखना, या तो अकेले 1-2 को ले लो, या अकेले 2-1 को ले लो, या फिर दोनों को ही मत लो, यानी एक पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग तीन चॉइस आपके पास हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग बच गई। तो यानी आपके टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल पेयर्स कितने हैं, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाय 2, लेकिन यहां पे हर एक के लिए चॉइस कितनी है अब 3, चाहे इसको लो चाहे ना लो, चाहे इसको ले लो ना लो, या फिर आप पूरे को ही मत लो, तो 3^n^2 और ये आपका डायगोनल के केस में तो 2^n.3(n-1)(n^2) तो ये देख लो जी ये फॉर्मूला, चाहे इसको n^-n लिख लो, n कॉमन ले लो, एक ही बात है। देन एसिमेट्रिक कहता है कि जितने भी डायगोनल्स हैं वो नहीं आ सकते, उनके लिए एक ही चॉइस है कि वो नहीं आ सकते। तो यानी 2^n यहां से खत्म हो गया, यानी फिर मेरे पास क्या बचा, बाकी का तो फंडा सेम ही है कि इस पूरे पेयर में से तीन चॉइसेस हैं, या तो 1-2 को ले लो अकेले को, या फिर अकेले 2-1 को ले लो, या फिर दोनों को ही मत लो, तो 3^n^2 ले लो, चाहे इस तरीके से लिख लो, बात एक ही है, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यूज बन जाएंगी। और अगर हम बात करें ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए गाइस कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, और ना ही आपको कोई पूछेगा कि बताओ भैया कितने ट्रांजिटिव पॉसिबल है, बस ये दो वैल्यूज इसकी याद रखना कि मिनिमम कितने आ सकते हैं, लार्जेस्ट कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा कंपैरिजन जो है वो आपको मैंने कर दिया, नोट कर लेना, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।